है दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंडर 10,000 यानी 10,000 के नीचे दो मोबाइल फ़ोन के बारे में। इसमें हम देखेंगे दोनों मोबाइल फ़ोन में आपके लिए कौन अच्छा रहेगा, कौन गेमिंग के लिए अच्छा है, कौन गेमिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रेडमी 9 एक्टिव के बारे में। रेडमी 9 एक्टिव में रैम 4 GB है, रोम 64 GB, डिस्प्ले 6.5 इंच, बैटरी 5000 mAh, प्रोसेसर हेलियो G35 है, कैमरा 13 MP है। दोस्तों, इसका प्रोसेसर बहुत कम है, इसलिए इसमें गेम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसका प्राइस रेंज 10,000 के नीचे है। तो आइए अब इन्फिनिक्स हॉट 11S का। इसका रैम 4 GB का आता है और रोम 64 GB का। ये डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट के साथ आता है। दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं, ये 18 वाट फास्ट चार्जर के साथ 5000 mAh बैटरी के साथ आता है। ये 7.6 इंच डिस्प्ले के साथ एंड्रॉयड 11 फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। इसका कैमरा 50 MP, ट्रिपल रियर कैमरा, क्वाड LED फ्लैश, टाइम लैप्स स्लो मोशन के साथ आता है। इसका फ्रंट कैमरा 8 MP इन डिस्प्ले सेल्फी, ड्यूल LED फ्लैश, सुपर नाइट मोड के साथ आता है। दोस्तों, इसका प्रोसेसर हेलियो G88 डार्क लिंक गेम बूस्ट टेक के साथ आता है। दोस्तों, ये गेम के लिए बहुत ही अच्छा मोबाइल फ़ोन होने वाला। तो नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 11S का अनबॉक्सिंग। ये हॉट इन्फिनिक्स हॉट 11S। ये देखिए, जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, यहाँ दिया हुआ है इस प्रोसेसर, डिस्प्ले 50 MP, कैमरा 18 वाट का सी टाइप चार्जर, फास्ट चार्जर, ड्यूल स्पीकर, 5000 mAh बैटरी। आगे देखते हैं। देखिए, और इसके साथ क्या क्या आया है। सी टाइप केबल, 18 वाट चार्जिंग एडेप्टर, सिम इजेक्टर, ये देखिए। और ये बैक कवर, इतने सारे प्रोडक्ट के साथ आया है। देखते हैं इसको ऑन करके। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, ये एक प्रोसेसर है, 50 MP, कैमरा 18 वाट, टाइप सी चार्जर, इसको ऑन करते हैं। अब देखते हैं
यहाँ दो स्पीकर दिया हुआ है, ये माइक है, यहाँ देखिए ये माइक है और ये चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ स्पीकर है, ड्यूल स्पीकर के साथ आता है, यहाँ कैमरा है, 50 मेगापिक्सल। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।